ये अभी आप बनाई है? हाँ जी, अभी तुरंत बना कर रखे हैं। क्या बात है, क्या खराब हुआ था? एलईडी खराब था। एलईडी चेंज कर दिया जी। कंडेंसर स्टार्टर है, ये वो ट्रांसफार्मर है, ये कंडेंसर है, ये आईसी है, ये चिप्स है। इसको बनाने के लिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं, पर ये महिला बिना ट्रेनिंग का ही सीख ली। पढ़ी लिखी है आप? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। एकदम नहीं है? नहीं, एकदम नहीं पढ़े। कमा लेती है? जो तो काम के आने पर है, कभी 500 कभी 600 कभी। नीतीश कुमार भी इनके पास आए हैं और इनके काम को सलाम करके गए। मैं आपको बिहार के एक ऐसी महिला से मिलवाने वाला हूं जिसे देखकर आप शौक हो जाएंगे। अभी आपको कैमरे में एक महिला नजर आ रही है और बिजली के काम कर रही है। मैं बता दूं आपको, ये जो महिला है फुटपाथ पे, देख सकते हैं नाली है, फुटपाथ वाला नाली है, नाली पे बैठ के ये बिजली का काम करती है। कूलर, फ्रिज, चार्जर, स्टेबलाइजर सब बना लेती है। अब जरा सोचिएगा, इसको बनाने के लिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं, पर ये महिला बिना ट्रेनिंग का ही सीख ली है और बिना ट्रेनिंग का ही बनाती है। माँ से बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि इनके से कैसे बनाना सीखी, कहाँ से ये, कैसे इनको पता चला कि इस चीज़ को ऐसे बनाते हैं। नाम क्या है आपका? नाम बताइए पहले। सीता देवी मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाली है? देखी तलाव रहने वाली है। गया की रहने वाली है? गया, देखी तलाव रहने वाली है। अच्छा, बात बताइए कि कैसे सीख ली है आप? अरे मजबूरी सिखा दी है काम के, जिंदगी के मजबूरी सिखा दिया जी। कैसे, क्या हुआ था बताइएगा जरा। मेरे पति की तबीयत खराब था, लीवर में सूजन आ गए थे, बच्चा था सर, 3 साल 4 साल का बच्चा था, तो इसी में हम लोग भूख मर लगा लड़का, तो हमको यहाँ पर आने पड़ गया। अच्छा, जब आपके पति क्या पहले ये इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे क्या? जी। अच्छा, तो उनका तबीयत खराब हो गया, वो काम करना बंद कर दिए? बंद कर दिए, उनको खाना पचवे नहीं करता, बैठ कैसे सकते थे। अच्छा, तो वो बताते थे कि हाँ इसे करो वैसे बनाओ, इसमें खराबी, इसमें ये खराबी है। हाँ। वो बदलते गए, लगाते गए, तो हम सीख गए। आपके पति ने आपको सिखा दिए? जी। क्या बात कर रही हैं आप? पति ने सिखाई ने। इनके पति ने, इनका पति का जब तबीयत खराब हुआ तो इनके पति ने इनको सिखा दिया कि ऐसे बनता है। और आज देखिए ये सब चीज बना रही है। आज देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्सर है और बैटरी है, इंडक्शन कुकर है, सारा चीज बना लेती हैं आप? सारा चीज बना लेते हैं। सब समझ में आता है आपको? सब समझ में आता है। क्या बात कर रही है। आईसी होता है, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा काम होता है, जैसे कि चिप है, ये सारा चीज आपको समझ में आता है? सब समझ में आता है। एक खराब है, एक खराब है, बदल दिए। हाँ। दूसरा में से निकाल कर लगा दिए, बन गया। चलो, सब पता, नाम पता है सबका? हाँ, देखिए कंडेंसर है, स्टार्टर है, ये कंडेंसर स्टार्टर है, ये ट्रांसफार्मर है, कंडेंसर है, ये आईसी है, ये चिप्स है, सारा चीज पता है। क्या बात है। देखिए बिहार के महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि बिहार के महिलाएं गोबर से चिपरी और गोइठा पाती है, पर देखिए एक ऐसी महिला है जिनकी मजबूरी ने आज इलेक्ट्रीशियन बना दिया है और बिजली मिस्त्री बना दिया है, और ये देखिए बिजली से पैसे कमाती है। अब जरा थोड़ा सा दिखाइएगा कि कैसे ये कमाती है। ये देखिए इनका फुटपाथ पे दुकान है, ना ऊपर छत है, कुछ नहीं है। ये साल से बना रही है? हमने 35 साल से मेरा दुकान है, 20 साल से हमने काम कर रहे हैं। अच्छा, 20 साल से आप खुद बना रही हैं? खुद बना रहे हैं, 20 साल से खुद बना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपके जज्बे को तो मैं पहले सैल्यूट करता हूँ, पूरे बिहार के जितने भी जनता देख रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं सैल्यूट करेंगे आपको। हाँ, सब बोलते हैं अच्छा काम करते हैं, आपको हुनर है हाथ में। हाँ, सब ग्राहक बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कोई आया आपके पास, बड़े नेता मंत्री कोई देखने के लिए? बहुत आया है। हाँ, बहुत। नीतीश कुमार आया, संजय अग्रवाल। नीतीश कुमार आ गए हैं? हाँ, संजय अग्रवाल आए थे। अच्छा। संजय अग्रवाल से ही बनाए थे वो टाइसा भी। अच्छा। सब नली पूरा गिरा हुआ था। हाँ। उन्हीं का बना हुआ, वो बोले इनके मेयर आ जाएंगे ना। हाँ। तो आपको दुकान दिया देंगे हम। हाँ। कहीं ना दुकान मिल जाएगा? हाँ, कहीं ना कहीं दुकान दिया देंगे, बाकी वो तो बदली हो गई यहाँ से, तो हम जहाँ के तहाँ बैठे रह गए। नीतीश कुमार आए थे आपसे मिलने के लिए? आए थे, कब में आए थे? वो तो इतना याद नहीं है, बाकी आईने में पेपर मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है। पेपर रखा हुआ है? हाँ। देखिए नीतीश कुमार भी इनके पास आए हैं और इनके काम को सलाम करके गए हैं। कोई भी देखेगा तो इनके काम को सलाम जरूर करेगा, क्योंकि काम ही ऐसा कर रही है। अब इसको सीखने के लिए आजकल के जो स्टूडेंट है वो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, पर ये देखिए बिना कुछ किए आज इलेक्ट्रॉनिक का ये बना रही है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान धराधर बना रही है। ये बॉल्ब सब बना लेती है, देख रहे हैं बॉल्ब सब सब बना लेते हैं। लोग आते हैं आपसे बनवाने के लिए? हाँ। क्या बात है, ये अभी आप बनाई है? हाँ जी, अभी तुरंत बना कर रखे हैं। क्या बात है, इसमें क्या खराब हुआ था? एलईडी खराब था। एलईडी चेंज कर दिया आपने? जी। वाह, कैसे चेंज किया? लाइन कट गया है, बता दे। लाइन कट गया इसलिए नहीं चल रहा है। एलईडी देखिए, एलईडी नया लगाए हैं सोल्डिंग करके।
क्या बात है। देखिए मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर है, पर असली आत्मनिर्भर क्या है देख सकते हैं, ये प्रूफ कर रही है, साबित कर रही है। आज से नहीं 20 साल से ये यहीं पे दुकान लगाती है। जब यही दुकान लगाते हैं फुटपाथे पर सब दुकान लगा रहे हैं। कितना कमा लेती है? जो तो काम के आने पर है, कभी 500 कभी 600 कभी 1000 आ जाता है। 1000 कमा लेती है? हाँ, वो तो काम के निर्भर है, ऐसे तो नहीं। 1000 आप मान लो 500 600 1000 कमा लेती तो आपका घर का खर्चा चल जाता है? हाँ चल जाता है, जो उसी में न करने पड़ता है। बाल बच्चा है? हाँ बाल बच्चा है ना, 4 गो लड़का है। 4 गो है जी, 2 गो लड़का का खर्चा आप ही संभाली हुई है। हाँ तो आप कौन है, कौन में घर में? देखिए माँ दुर्गा की अवतार होती है ये कहा जाता है वेद पुराण में, पर ये सच्चाई देख सकते ये है। इनके पति का जब तबीयत खराब हुआ तब से लेकर पूरे घर का पूरा खर्चा का अपने कांधे पे ली हुई है। और एक बिहार की महिला जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है आप? नहीं पढ़े लिखे नहीं है। एकदम नहीं है? नहीं एकदम नहीं पढ़े लिखे, एकदम पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। और अनपढ़ होने के बावजूद भी मजबूरिया ने इनके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बना दिया। इनके पति को आप देख सकते हैं, ये देख नहीं सकते हैं, अंधे हो चुके हैं, बीमारी ने इनको अंधा बना दिया। ये बात सच है कि आप पहले मिस्त्री थे? जी हम मिस्त्री थे। अच्छा, और हम बिजली का काम करते थे, बिजली का मोटर पंखा कूलर गीजर वाशिंग मशीन जूसर इन्वर्टर चार्जर स्टेबलाइजर एसी फ्रिज ड्रिल मशीन कटर मशीन वेल्डिंग मशीन इंडक्शन चूल्हा आर ओ माइक्रो ओवन इत्यादि बना लेते हैं। जी बिजली बना लेते थे आप? जी बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं। अब दिखाई नहीं देता है तो नहीं, सुन के आँख नहीं है तब भी बनाते हैं, अभी भी बीमारी बताते हैं और पाइप से काम करा लेते। क्या बात कर रहे हैं? जी जी अभी बगैर देखे सुन के बता देंगे। ये असंभव चीज गया में हो रहा है, बिहार के गया में हो रहा है। ये जो इंसान को देख रहे हैं ये देख नहीं सकते हैं, पर सुन के बता देते हैं कि क्या खराब हुआ है। हाँ इसमें क्या खराबी है तुरंत बना देती है, सुन के बता देती है। जी आपकी पत्नी बना देती है? बना देती है, बेटा भी बना देता है। क्या बात है, सबको मिस्त्री बना दिया। जी जी अब पढ़ी लिखी नहीं है तो कैसे उनको बता दिए सारा? बेटा मेरा पढ़ा लिखा है। आपकी पत्नी की बात कर रहा हूँ? पत्नी पढ़ी नहीं है मगर वो काम करते करते 20 साल हो गया ना, तो उसको पता है कि ये खराबी है, बना लेती है। जी जी वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, देख सकते हैं। मैं बनाती हूँ वो हम बताते हैं, अभी बताते हैं। जी अभी भी बताते हैं, पत्नी मेरे को डेली लेके आती है। देखिए कितना खूबसूरत सा कहानी है बिहार के गया में, और एक कहानी का देख सकते हैं मेन इनको जीता जागता गवाही दे रही है एक महिला है बिहार की, सीता नाम है इनका, सीता देवी है जो 45 साल की है। ये बिना अनपढ़ होने के बावजूद भी बिजली मिस्त्री बन गई है। बिहार में मुझे नहीं लगता कि कोई महिला बिना पढ़े लिखे अनपढ़ बिजली मिस्त्री होगी। और एक ऐसे इंसान है जो अनपढ़ बीवी को सिखा दिए कि ऐसे सब चीज़ बनता है, कूलर फ्रिज जितना भी आप देखते हैं वॉशिंग मशीन होता है सारे चीज़ बना देती है। बहरहाल इनको लेकर, इस महिला को लेकर, इनके जज्बे को लेकर क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।